ये बड़ी दूध वाली को देख लो कितना मस्त है। अरे बाप रे बाप, नमस्कार सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जंगे के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो दोस्तों पटाया के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा था, अभी मैंने दिखाया था आपको पटाया के नाइट वाला, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत सारे यहां पे भारतीय रेस्टोरेंट है। ये देखिए विरासत, इंडियन भारतीय रेस्टोरेंट, शायद इसका मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है विरासत का, तो हाँ बनाया हुआ है मैंने। जैसा कि हम सेंट्रल फेस्टिवल मॉल के पीछे घूम ही रहे थे, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इधर की ओर देख सकते हैं, ये इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे भाई 160 भात का थाली है, तो मुझे थोड़ा सस्ता लगा, मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, जो हमारे बजट ट्रेवलर हैं उनके लिए खाने का, अगर वो भारतीय भोजन खाना चाहते हैं तो 160 में कैसी थाली देते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि हमारी यहाँ पे थाली आ चुकी है 160 भात में। इन्होंने मुझे दिया दाल रायता और ये आलू की सब्जी है और ये सैलेड है और रोटी है। देखो उसमें बजट भी और क्वालिटी भी मिल रही है। चलिए पहले ये ख़त्म किया जाए, उसके बाद थाली ट्राई करते हैं। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना खाना खा लिया है, जिसमें वेजिटेरियन थाली 160 भात की पड़ी, काफ़ी अच्छा खाना था। मैं रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल यहाँ पे आइए। मैं एड्रेस और इनका जो कार्ड है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रहा हूँ और मुझे फ़ोटो भी अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आप एक बार ज़रूर आएँ, अगर सस्ते में खाना खाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आके खा सकते हैं। और मैंने एक थाली लिया था, एक पापड़ और एक चंग बियर, तीनों का बिल मिला के हुआ था 280 भात। एक चीज़ और, अगर आप पटाया में होटल में रुके हैं तो फ्री डिलीवरी है यहाँ पे। अगर आप इंडियन खाना मंगवाना चाहते हैं तो आप ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप भी करके आप अपना खाना अपने होटल में मंगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनका ये कार्ड आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसा है बे, पूछो कैसा है। एक बोतल चांग पिया, चांग कौन सा, एक बोतल। उसके बाद एक वेजिटेरियन थाली खाना खाया, अब थोड़ा हल्का झनझनाया हुआ है। वो बिलार वाला डिश, नाइट डिश। ये देखिए क्या बिक रहा है, इसका मांस खाते हैं ये लोग, देखिए मगरमच्छ। आज मैंने इंडियन अर्थात भारतीय खाना खाया, मतलब रोटी खाई दबा के, दो रोटी और उसके साथ जो जो मिला रायता चावल दाल खाई, उसके साथ एक बोतल वो अपना चैंग बियर पिया, तो उसमें थोड़ा सा नशा हुआ लगता है मुझे, तो ये नशा हो रहा है। ये देखिए अंकल लोग बैठ के एकदम छान घोट रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद सीधे ये लोग थाईलैंड आ जाते हैं, इनका कोई तीर्थ यात्रा उत्थरात नहीं। अपने यहाँ अगर कोई रिटायर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो तीर्थ यात्रा पर जाता है, भगवान की शरण जाना, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ रिटायर होने के बाद पेंशन की कमाई, सीधे थाईलैंड आ जाते हैं, यहीं रहते हैं मस्त, डेली लौंडियाँ छानते, दारू पीते हैं। ये पूरा नज़ारा है, ये पूरे देख सकते हैं, ये पूरा मसाज वाली मसाज पार्लर है, यहाँ पे मसाज वगैरह आप करा सकते हैं, जो भी कराना चाहें। क्या बताऊँ यार लोड़ा, ये तुम देखो हर वीडियो में बताता हूँ। अब लौंडिया के सामने जाके तो नहीं कह सकते ना, इनको दब बजाओ आके, समझ जाएगी। कैसे बनी, कैसे बनी फुलौरी बिना, आज फिर देखता हूँ कोई सामान आएगी तो लाइव आऊँगा उसके साथ। वो तेरी कितना बड़ा जिम है यार, ये देखो जिम देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मॉल का ही जिम है। टुकटुक हैं ये पूरे पटाए में घूमते रहते हैं, अगर इसके साथ आप सफ़र करना चाहते हैं 5 से 10। पुराना वीडियो आप मेरा देखिए, उसमें बताया पूरा, ये उसी सिस्टम से चलते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। ये सब्जियाँ यहाँ पर इस प्रकार बिकती हैं दोस्तों, ये देखिए ठेले पर सब्जियाँ बिकती हैं, सैलरी वगैरह और क्या क्या बिकती, पत्तियाँ पालक ये सब काम जाना पूरा यहाँ पर बिकते हैं। लेकिन वो देखा काली वाली लोग प्रमोशन कर रहे हो देख लो, लेकिन ड्रेस ऐसा है पुरमारी वाले ना कि क्या कहें, एकदम लसला सा के मजा आ जाता है।
अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं गुरु। बड़े बड़े लेन कितना, दो बियर तो पी लोड़ा, दो बियर पी लेकिन अच्छा मसाज कर दिया। जरूरी जानकारी तुमको देना चाहूँगा, कान खुलकर और भी जो खोल के सुनना है सुन लो। ये जो जितने भी आप एक कोको बार देख रहे हो, जितने भी आप बार देख रहे हो ना, यहाँ पे आप बियर पीने जाओगे, अब लेडी ड्रिंक का पंगा इन लोगों को पता चल गया, तो अब लेडी ड्रिंक का पंगा इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया है। अब पता है क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे भाई आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ बैठ के पीना, आप बियर पियोगे आपको 70-80 भत्त की वो लोग पिला देंगे, ठीक है। लेकिन वही लड़की के लिए कुछ मंगवा दिया तो लड़की बोलेगी हमें टकीला चाहिए, लौड़ा चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, ठीक है, तो वो अलग बात है, ठीक ना। तो वो 150-200 का आएगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं बियर ही पिला सकता हूँ, तो आप बियर पिलाओगे उसको, तो जो बियर आपको 70 भत्त की मिलेगी, 80 भत्त की मिलेगी, 100 भत्त की मिलेगी, वही लड़की को डबल रेट में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि लड़की को, बार वालों को लड़की को कमीशन देना पड़ता है पैसा, ठीक ना। तो जितने की वो बियर पिएगी उतना उनको पैसा भी देना पड़ेगा, मतलब बंदी बियर भी पिएगी और पैसा भी लेके जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। अब चलो जा रहा हूँ मैं थोड़ा ATM से पैसे निकालने। अभी हम यहाँ बैंकॉक के या थाईलैंड के ATM से पैसा निकालने वाला हूँ। चार्ज कितना कटता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने ATM डाल दिया, ठीक है। इंटर भाषा इंग्लिश, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़, 220 भत्त, ये सरचार्ज 220 भत्त विल बी अप्लाइड दिस ट्रांजेक्शन। हमने 10,000 भत्त निकाला, अब इसमें से हम 1,000 अपने जेब में डालेंगे, बाकी 9,000 अपने बैग में अंदर डालेंगे छुपा के, ठीक है। 1,000 उड़ा लेंगे फिर 1,000 रुपये निकालेंगे, ठीक है। नहीं तो लौंडिया उंडिया के सामने पैसे उसे निकालोगे ना तो वो दिया और दो और दो और दो। तो ट्रिक लिख लेना, अंदर बैग एक ले लेना, बैग में डालना और बाकी 1,005 खुला पैसे अपने जेब में रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं गुरु। बड़े बड़े लेन कितना, दो बियर तो पी लोड़ा, दो बियर पी लेकिन अच्छा मसाज कर दिया। और अभी दिखाते हैं ये बड़ी दूध वाली को, देख लो कितना मस्त है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे टकीला दारू का शॉट पी सकते हैं। और आगे जो कन्या आ रही है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत शोर है इसलिए गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ रहा है, तो उसके लिए माफ़ करें। ये गोरकी पत्थर की आ रही है, एक माल हमारी वेट कर रही है, लेकिन अब क्या करें। आगे की ओर चलते हैं गुरु, आगे उधर चुल्ली जो पकड़ेगी आपकी लुल्ली वो भी मिल जाएगी। चलते हैं आगे की ओर। अभी तुम्हारा भाई जो पीछे क्लब है इस क्लब में गया था, मत लड़कियाँ मतलब बिना बरा के दुद्दू खोल के नाच रही, मजा आ गया। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता लौड़ा एंट्री फीस के नाम पे। जाओ देखो, पसंद नहीं आया तो क्या 100 भत्त की बियर ही पियोगे ना, इससे ज़्यादा क्या उखाड़ लोगे लौड़ा। 100 भत्त की बियर पियो और वापिस आ जाओ। आगे की ओर चलते हैं, आगे साथ तुम्हारी अच्छी वाली माल मिल जाए उस दिन भाई को मजा आ जाए। वेलकम टू पटाया, इस टाइम हमने सबको है सटाया। ये देखो माली माल, ओ भाई दोस्तों। अभी अपनी दोस्त जुल्ली के पास, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा जुल्ली कौन है। जुल्ली जो पकड़ती है मेरी जुल्ली,
मिलते हैं आपको, अभी हम लेने गए हैं, अभी क्या आते हैं फिर बताते हैं। बहुत मस्त प्यारी बनती है, हो जाएगा तब इंस्टाग्राम पे लाइव आएगी, ठीक है, देख लो जाके बिल्ली के साथ। पूरा हमने देख लिया है वहाँ पे, कन्या पार्टी वगैरह सब कर लिया है, अब हम जा रहे हैं बीच रोड की तरफ, लेकिन बीच रोड यहाँ से बहुत दूर है यार। और फिर भी अपन जाएगा, वेलकम टू थाईलैंड इंडिया। Very good, very nice, super, very friendly, super nice. Come here, everyone come here in Thailand. Yeah, what you like Thailand? If you feel about boring in your life, you come to Thailand. Yeah, welcome to Thailand. Welcome, Pattaya. Welcome to Thailand. Thank you. Bye bye. आगे चलते हैं गुरु। इधर अंधेरा हो गया गुरु मारी के। ये तो अंटियां आ रही हैं। लंड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। दिल गार्डन गार्डन खो गया, लौड़ा छेदों में खो गया। आगे चलते हैं, मसाज वगैरह देखिए करना चाहिए, 200 रुपये में मसाज हो जाता है, आप करा सकते हैं फुट मसाज। सब पैदल चलता है भैया, यहाँ आओगे घूमोगे, भैया यहाँ आओगे घूमोगे तो पैदल चलते तो थक ही जाओगे, तो आपको फुट मसाज कराना ज़रूरी है। ये देखो इसका पर टांग कितना खतरनाक आंटी है, बुढ़िया पोजीशन पूरा दिखाएंगे। कच्ची कली ढूंढना है यहाँ पे, आपको लगे कच्ची कली, लेकिन कच्ची कली के चक्कर में आप कच्चा कला ना उठा लें, या कच्ची कली के चक्कर में आप कच्चा गुड़ी ना उठा लें, इसलिए आपको छाटना पड़ता है गुरु यहाँ पे। दिस इज नाउ अपग्रेडेड इन थाईलैंड पटाया, बहुत कुछ अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, ये था हमारा पटाया नाइट लाइफ का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछते हैं या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और अपने ही छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह से, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। गाइस ये हम अभी जिंदा शेर को टच कर रहे हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अनुभव है। गॉड, ये जिंदगी में पहली बार जो है मैं अपने शेर को ये मतलब टच कर रहा हूं। कितना सर?